अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांच चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए यूपी ट्रिपल एससी इस समय बहुत ही एक्टिव हुआ है। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों को ब्यौरा लिया, उसमें यूपी ट्रिपल एससी की खास क्लास लगी और यूपी ट्रिपल एससी ने अपना कैलेंडर भी जारी किया, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की काफ़ी शिकायतें थी। उस बेस पर यूपी ट्रिपल एससी देख भी रहे होंगे कि लगभग प्रत्येक दिन कुछ न कुछ कोई न कोई विज्ञापन रिजल्ट संशोधन जारी कर रहा है। तो अभी कल देर शाम जो है एक शुद्ध पत्र जारी हुआ है, तो जो कि अवर अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा 2024 के लिए है और यह पिट 2023 के आधार पर आठवां विज्ञापन था, जो कि 7 मार्च 2024 को प्रकाशित भी हुआ था। तो चलिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्या है अपडेट। देखिए ये है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का भवन तीतल गोमती नगर लखनऊ, और यहाँ विज्ञापन अनुभाग जो है 11/8 परीक्षा 24 लखनऊ दिनांक 24 जून 2024, मीन्स कल देर शाम जो है यह शोध पत्र 4 जारी हुआ है इस विज्ञापन का। पिट 2023 के आधार पर जो आठवां विज्ञापन था उसका ये चौथा शुद्ध पत्र है। आयोग के विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2024 और अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्ता परीक्षा 2023/08 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन अवर अभियंता सिविल सहायक विकास अधिकारी अवर अभियंता सिविल के 2819 पद सामान्य चयन व अवर अभियंता सिविल के 28 पद विशेष चयन सहित कुल रिक्त 2847 पदों पर चयन है दिनांक 7 मार्च 2024 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। सूच्य है कि आयोग की सूचना संख्या 32/08 विज्ञापन अनुभाग 11/08 परीक्षा 2024 दिनांक 16 मार्च 2024 द्वारा पूर्व में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन अवर अभियंता सिविल के 368 पद सामान्य चयन प्लस अवर अभियंता सिविल के 801 पद विशेष चयन कुल 1169 पदों एवं सूचना संख्या 42/08 विज्ञापन अनुभाग 11/08 परीक्षा 2024 दिनांक 20 जून 2024 विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन अवर अभियंता सिविल के 354 पद सामान्य चयन अवर अभियंता सिविल के 6 पद विशेष चयन 360 पदों के को भी उक्त विज्ञापन के अंतर्गत सम्मिलित करते हुए संशोधित कुल 4376। तो कहने का मतलब ये बहुत बड़ी बात है इन अभ्यर्थियों के लिए कि पद में वृद्धि हो रही है, कमी तो नहीं हो रही। 3541 सामान्य चयन है तो वहीं 835 विशेष चयन पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। सूच्य है कि आयोग के शुद्ध पत्र संख्या 39/08/विज्ञापन अनुभाग 11/08 परीक्षा 2024 दिनांक 7 जून 2024 द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि को 28 जून 2024 तक विस्तारित किया गया। कहने का मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म जो है डालने की डेट जो है एक्सटेंड की गई है, अब यह 28 जून तक इसे विस्तारित किया गया। सूच है कि विज्ञापन संख्या 08 परीक्षा 2024 अवर अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा पिट 2023/08 के बिंदु संख्या 04 में यह उल्लिखित है कि विज्ञापित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट बढ़ सकती है। तदनुक्रम पूर्व में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त निम्नलिखित सारणी में उल्लिखित विभाग में नियंत्रणाधीन अवर अभियंता सिविल के 198 पद
सामान्य चयन प्लस अवर अभियंता सिविल के 38 पद विशेष चयन मीन्स 236 पदों को भी उक्त विज्ञापन के अंतर्गत सम्मिलित किया जा रहा। कहने का मतलब और पद बढ़े हैं और इस प्रकार प्रसंगत विज्ञापन के अंतर्गत संशोधित कुल अब 4612 मीन्स 3739 सामान्य चयन तो वहीं 873 विशेष चयन पदों पर चयन की कार्यवाही की जाएगी। कहने का मतलब अवर अभियंता की जो है अब जो जेई की वैकेंसी है उसमें 4612 पद हो गए हैं, अब बड़ी भर्ती के नाम से जानी जाएगी। पहले यही 2847 पदों पर थी, आज बढ़ते बढ़ते ये 400 पत्र है, चौथा शुद्ध पत्र है, उसके आधार पर अब बड़ा विज्ञापन हो चुका है, 4612 पदों का विज्ञापन हो गया है। ये देखिए प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत पूर्व में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त विभागवार सम्मिलित किए जा रहे पदों की संख्या, उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण का विवरण है, तो इसे तो आप रेट करेंगे। फिलहाल सभी लोगों के लिए जो कि जेई में प्रतीक्षारत थे या वैकेंसी भर रहे हैं इस वैकेंसी को, तो निश्चित तौर पर उनके लिए खुशखबरी है। वहीं देखिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात कर लें, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा जो है अवर अभियंता सिविल सामान्य चयन विशेष चयन अनिवार्य अर्हता शैक्षिक उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद सबॉर्डिनेट इंजीनियरिंग सिविल ओवरसीयर सीवर सर्विस रेगुलेशन 1973 के भाग 4 नियम 9 के अनुसार नो पर्सन शैल बी रिकमेंडेड टू दी सर्विस इंक्लूड बी। यहाँ हालांकि पूरा किनको किनको योग्यता क्या है ये है इस चयन का आधार, तो इसको भी कोई बहुत पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है। इतना आप जान लीजिए कि जो भी चयन का आधार होगा पहले परीक्षा, ठीक है। यहाँ इतना आप जान लीजिए कि मेन पॉइंट जो है वो ऑनलाइन आवेदन शुल्क या सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है अब 28 जून 2024 है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अगर तिथि देखी जाए तो 5 जुलाई 2024 है। जो अभ्यर्थी प्रसंगत विज्ञापन के सापेक्ष अपना आवेदन अंतिम रूप से सबमिट कर चुके हैं एवं इस शुद्ध पत्र के माध्यम से विज्ञापित किए जा रहे पदों पर आवेदन हेतु अर् या इच्छुक हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने व शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उनके द्वारा पूर्व में सबमिट किए गए आवेदन पत्र में ही आवेदन में संशोधन की निर्धारित प्रक्रिया विज्ञापन बिंदु 3 अवलोकनी के अनुसार इस शुद्ध पत्र में उल्लिखित पदों के सापेक्ष अपना विकल्प एवं समस्त आवेदित पदों के सापेक्ष संशोधित वरीयता अंकित किया जाना आवश्यक होगा। यदि इस शुद्ध पत्र के निर्गमन के पूर्व आवेदन अंतिम रूप से सबमिट कर चुके हैं, चूँकि किसी अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार नवीन पदों हेतु चयन एवं वरीयता का अंकन नहीं किया जाता, तो ऐसे अभ्यर्थी का विचारण उसके द्वारा पूर्व में आवेदित पदों तथा वरीयता के अनुसार ही किया जाएगा। आयोग द्वारा आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि के उपरांत इस शुद्ध पत्र के माध्यम से विज्ञापित नवीन पदों व उनकी वरीयता के संबंध में कोई भी प्रत्यावेदन या दावा भविष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब आयोग की तरफ से जो भी नए पद जोड़े गए हैं उनके लिए जो अभ्यर्थी फार्म भर चुके हैं उनको आप संशोधन की तिथि भी है तो वो जो है अपने चाहें तो अपडेट कर सकते हैं। 28 जून आखिरी डेट है और शुल्क समायोजन और आवेदन में अगर संशोधन की बात की जाए तो अंतिम तिथि 5 जुलाई है। वहीं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद प्रशासन अनुभाग महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ, यहाँ सूचना जारी की गई है कि क्या क्या नियम हैं, ठीक है, अभियंता सिविल और अभियंता विद्युत, तो इनको जो है संशोधित नियम है, ठीक है, अपेंडिक्स की है। तो ये थी छोटी सी अपडेट। कुल मिलाकर यूपी ट्रिपल एससी की बात करें, यूपी ट्रिपल एससी इस समय बहुत ही एक्टिव आयोग बना हुआ है। अब देखने की बात ये होगी कि जो ये फार्म भराए जा रहे हैं इनके अनुसार जो कैलेंडर जारी किया गया है
उस कैलेंडर बेस पर एग्ज़ाम हो जाता है या नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कहने का मतलब यही है कि जेई के अब तक 2847 पद थे, अब वही बढ़कर 4612 हो गए हैं। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए, प्रतियोगी छात्रों के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।